अमरोहा के थाना रजोपुर क्षेत्र में हाईवे पर सड़क किनारे आलू से भरे खड़े डीसीएम में सीतापुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस जा घुसी, जिसमें दो यात्रियों और एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 9 का है। सीतापुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस तेज गति होने के कारण सड़क किनारे हाईवे पर खराब खड़ी डीसीएम में जा घुसी, जिसकी वजह से दिल्ली निवासी नदीम नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक यात्री की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुछ घायलों को अमरोहा के जिला अस्पताल और कुछ को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर धनौरा क्षेत्र के सीओ अरुण कुमार मौके पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने रजबपुर थाना पुलिस के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। अवगत कराना है कि आज रात्रि लगभग 2:30 से 3 बजे के मध्य एक कैंटर जो कि खराब अवस्था में थाना रजबपुर क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर हुंडई शोरूम के सामने खड़ा हुआ था, जिस पर पीछे से आ रही तीव्र गति से रोडवेज की बस टकरा गई है। रोडवेज की बस में सवार लगभग 6 व्यक्ति समान रूप से घायल हुए हैं। वह नदीम खान जो कि सुलेमान नगर दिल्ली के बताए गए हैं, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। घायलों में ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल है। घायलों के परिजनों को सूचित करते हुए उनके अच्छे से अच्छे उपचार की व्यवस्था अमरोहा जिला अस्पताल में कराई जा रही है। मौके पर स्थिति सामान्य है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है।